हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमन के लिए हार्मफुल ही नहीं होते बल्कि बेनिफिशियल भी होते हैं। ह्यूमंस को इनसे बेनिफिट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है ऐसे प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो हम इजीली देख सकते हैं। इनको छोड़कर अर्थ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, मेजर कंपोनेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम के। माइक्रोब्स मींस जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर हम इनको देखना चाहते हैं, इनकी स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें माइक्रोस्कोप की नीड होगी। माइक्रोस्कोप से ही हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11th। Do you remember which kingdoms among the living organism contain microorganism, which are the ones that are only microscopic? तो हमने क्या पढ़ा था क्लास 11th में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी देखी। हमने देखा डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म का किंगडम है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है। तो मोनेरा है जिसमें कि प्रोटिस्टा देखने को मिलते हैं जो कि बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ फंगस, एल्गी जो कि यूनिसेलुलर मिलती हैं हमें, फॉर एग्जांपल यीस्ट हमारी फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास एक जीनस है जिसमें कि हमारे ग्रीन एल्गी मिलती हैं, ये भी यूनिसेलुलर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोनेरा या प्रोटिस्टा, इन किंगडम्स में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड अवर बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, आपको मिट्टी में, पानी में, हवा, और यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर या फिर एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। हमारी बॉडी में जो ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूज़फुल होते हैं क्योंकि हमारे फूड वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और जो डिसीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। साइट्स सच एज डीप इनसाइड द गैस्टर्स, थर्मल वेंट्स वेयर द टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन जगह भी देखने को मिलेंगे जहाँ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, इतना हाई टेम्परेचर, थर्मल वेंट्स, ठीक है, सॉइल में काफ़ी अंदर की तरफ, या फिर आपको एसिडिक इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं जो कि आर्की बैक्टीरिया होते हैं, और वो काफ़ी हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं, एसिडिक जो इन्वायरमेंट होता है उसमें सर्वाइव कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके थर्मोफाइल्स हो गए जिनको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, तो ये भी उन जगह सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड ऑल्सो प्रायोन्स दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। तो इनके अलावा आपको और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जैसे प्लांट वायरस या फिर एनिमल वायरस, इस टाइप से वायरॉइड्स, प्रायोन्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये आपके इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। प्रायोन्स प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि न्यूरोडीजनरेटिव डिसीज़ कॉज करते हैं।
वायरसेस आपको पता ही है, इनको हम न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए आरएनए आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। सो माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिएटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या फंजाई हैं, ये न्यूट्रिएटिव मीडिया पर ग्रो करते हैं। न्यूट्रिएटिव मीडिया क्या होता है? न्यूट्रिएटिव मीडिया मीन्स इनको पैट्री डिस्क में न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसको उसमें हमारे बैक्टीरिया या फंजाई की स्टेनिंग की जाती है, फिर उसके बाद उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कराया जाता है जिससे कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो कर जाते हैं कॉलोनीज़ में। कॉलोनी मतलब एक से ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं कॉलोनी में। अब इनको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, ये हमें ईजिली दिख जाएंगे जो कॉलोनीज़ होगी। लेकिन अगर कोई सिंगल बैक्टीरिया है तो हम उनको नहीं देख सकते। उनको अगर हमें देखना है तो हम माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से देख सकते हैं। ये इनके डायग्राम्स हैं। ये बैक्टीरियोफेज है जिसको हम बैक्टीरिया ईटर बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। इसके अलावा आपको कोकस बैसिलस बैक्टीरिया दिख रहे हैं। ये बैसिलस हैं, ये आपके कोकस हैं। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया शो हो रहे हैं यहाँ पर। ये कॉलोनीज फॉर्म में शो हो रहे हैं। इन चैप्टर 7 यू हैव रीड दैट माइक्रोब्स कॉज ए लार्ज नंबर ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। तो चैप्टर 7 में आपने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं। दे ऑल्सो कॉज डिसीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मेन इन डाइवर्स वेज। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो इसमें क्या कहा गया है कि चैप्टर 7 में आपने देखा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी ह्यूमंस में भी डिसीज कॉज कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो माइक्रोब्स हैं सिर्फ हमारे लिए हार्मफुल हैं, बल्कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन के लिए यूज़फुल हैं डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीके से आप देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के फ़ायदे के लिए। इस चैप्टर में हम इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट मीन्स घर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स के लिए। सो यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी यूज़ माइक्रोब्स और प्रोडक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे। तो हम ये जानने के लिए सरप्राइज होंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका इस्तेमाल हर दिन किया जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक कॉमन एग्जांपल इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। ये कॉमन एग्जांपल है, ये हम देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। During growth, the lab produce acid that coagulate and partially digest the milk protein. तो हम देखते हैं कि दूध से दही बनाई जाती है lactobacillus bacteria को use करके, जिसको हम commonly lactic acid bacteria भी कहते हैं। ये milk में क्या करता है? milk में grow होता है और दूध को दही में convert करा देता है। इसके अलावा ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये एक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है केजिन प्रोटीन, उसको कोगुलेट कर देता है। कैसे? पार्शली कोगुलेट कर देता है उसको और फिर दही में कन्वर्ट हो जाता है जो हमारा मिल्क होता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज ए इनोकुलम और स्टार्टर
contain millions of lab which is suitable temperature multiply. तो क्या किया जाता है कि मिल्क के अंदर एज ए स्टार्टर या फिर इनोकुलम लिया जाता है, थोड़ा सा दही लिया जाता है और फ्रेश मिल्क में उसको मिक्स कर दिया जाता है जिस और उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाता है जिससे कि सूटेबल टेम्परेचर में ये जो बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लाई हो सकें और दूध को दही में कन्वर्ट करवा सकें. विच ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग विटामिन B12. इसके अलावा और क्या होता है, विटामिन B12 की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है जिससे कि जो हमारा मिल्क है जो कर्ड में कन्वर्ट हुआ है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है. इन अवर स्टमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. इसके अलावा हमारे स्टमक के लिए भी यूज़फुल है और डिसीज़ में भी हेल्प करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिसीज़, कोई बैक्टीरिया हो जाते हैं जो डिसीज़ कॉज कर रहे हैं उनको भी किल करने की हेल्प करता है हमारा जो लैब बैक्टीरिया है. नेक्स्ट देखते हैं हम द डो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज़ आल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. तो जो हम जब डोसा और इडली बनाते हैं तो जो डो होता है इसका उसको बैक्टीरिया के थ्रू फर्मेंट किया जाता है. कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है इडली और डोसा के डो को फर्मेंट करने के लिए, तो आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस ल्यूकोनोस्टॉक लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इडली और डोसा के डो को फर्मेंट करने के लिए. ये बैक्टीरियाज हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस ल्यूकोनोस्टॉक ये सभी. होता क्या है, द पफ्ड ऑफ अपेरेंस ऑफ डो इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस. तो जो ये हमारा डो होता है इसका ये जो पफ्ड ऑफ अपेरेंस शो होता है ये क्यों शो होता है, क्योंकि CO2 गैस प्रोड्यूस होती है. कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2. तो कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे इसमें यूज़ हो रहा है, तो हमें पता है कि होता क्या है CO2 जब रिलीज़ होती है तो आपका एनारोबिक पाथवे चलता है, उससे पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का लाइसिस होता है, पाइरूवेट बनता है. फिर अगर एनारोबिक कंडीशन है जहां ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड की जाती तो फिर क्या होता है उसमें हमारा CO2 प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस में. Where do you think the bacteria for these fermentation come from? Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast. तो इसमें क्या use होती है, baker's yeast. baker's yeast इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बेकरी वगैरह में use होती है ये yeast जो कि केक बनाना ब्रेड बनाना ये सभी जो भी बनते हैं इनमें हमारा yeast use होती है. इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी. ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड्स आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स. तो इसके अलावा और भी ड्रिंक्स होती हैं, फूड होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेशन के द्वारा बनाए जाते हैं. टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउथर्न इंडिया इन मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स. तो जो टोडी है वो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, और ये इसको कैसे बनाया जाता है, इसको पाम से सैप लिया जाता है फिर उसको फर्मेंट किया जाता है तभी टोडी ड्रिंक बनती है. सैप का मतलब रस लिया जाता है. माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड. इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है फिश वगैरह को फर्मेंट करने के लिए, सोयाबीन को, इन सभी को फर्मेंट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं. इसके अलावा चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड. चीज़ वगैरह जो है इनको भी फर्मेंट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है. डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ आर नॉन बाय their characteristic texture, flavor, taste, the specificity coming from the microbes used.
तो क्यों इनका यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्मेंट क्यों करवाया जाता है चीज़ वगैरह में, जो उसका टेक्सचर है या फ्लेवर है, टेस्ट है, इन सबको बढ़ाया जाए, अच्छा किया जाए, इस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द लार्ज होल इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाई ए बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपायोनी बैक्टीरियम सरमानी. इस बैक्टीरिया का यूज़ करके स्विस चीज़ बनाया जाता है. एक है रॉकफोर्ट चीज़ आर राइपेंड बाई ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंजाई ऑन दैम विच गिव्स दैम ए पर्टिकुलर फ्लेवर. रॉकफोर्ट जो चीज़ है उसमें एक पर्टिकुलर फ्लेवर दिया जाता है एक फंगस के थ्रू जिसका नाम है रॉकफोर्टी फंजाई. पूरा नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी फंजाई, जिससे कि रॉकफोर्ट चीज़ बनाया जाता है. तो ये सभी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि फर्मेंटेशन के थ्रू बनाए जाते हैं. और इनका फर्मेंटेशन किसके थ्रू होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फर्मेंटेड किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने देखा कि मिल्क से कर्ड का बनना, बैक्टीरिया इसमें यूज़ होता है. बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. इसके अलावा हमने देखा कि इडली और डोसा का जो डो बनाया जाता है उसमें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं. कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है आपका, ल्यूकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, इन बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है. इसके अलावा कुछ हमारा ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, टोडी वगैरह जो साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है, उसको बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू. और अगर बेकर यीस्ट यूज़ की जाती है तो आपको पता है कि बेकर यीस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी. इसके अलावा हमने देखा स्विस चीज़ बनाई जाती है जिसको बनाया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू प्रोपायोनी बैक्टीरियम सरमानी. रॉकफोर्ट चीज़ बनाई जाती है फंजाई के थ्रू जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी फंजाई. नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. तो इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स. इंडस्ट्री में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ह्यूमंस के लिए जो फ़ायदेमंद हैं या फिर ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं. बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड फर्मेंटर्स. तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जिस वेसल मींस बर्तन टाइप होता है जिसके अंदर फर्मेंटेशन किया जाता है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटर्स. इन फर्मेंटर्स के अंदर हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं लार्ज स्केल पर. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपके एंटीबायोटिक आ जाती हैं, बेवरेजेस मींस लिक्विड ड्रिंक्स टाइप आ जाती हैं. ये सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से. तो हम देख लेते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस. माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम. तो हम देखते हैं कि स्पेशली यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी इस फंगस को यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, ना कि अभी बल्कि इमेमोरियल मतलब प्राचीन काल से, बहुत पहले से, काफ़ी टाइम पहले से यीस्ट का यूज़ किया जा रहा है बेवरेजेस वगैरह बनाने के लिए या फिर फर्मेंटेशन के इस प्रोसेस में यीस्ट का इस्तेमाल काफ़ी टाइम पहले से किया जा रहा है. तो हम देखते हैं कि कौन कौन से बेवरेजेस बनाने के लिए इस फंगस को यूज़ करते हैं लाइक वाइन, बियर, बिस्की, ब्रांडी और रम. फॉर दिस पर्पस द सेम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी यूज फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर्स यीस्ट. तो जो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होती है तो उसको ब्रूअर्स यीस्ट बोल दिया जाता है. इज़ यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टिंग सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल.
डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाई यीस्ट? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विथ और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेंड. तो इसमें हमने क्या देखा कि जो आपका यीस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसका यूज़ किया जाता है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए. इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ब्रूअर्स यीस्ट का यूज़, ब्रूअर्स यीस्ट ब्रेड मेकिंग वगैरह करने के लिए, या फिर हमारा जो इथेनॉल वगैरह है इनके प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है इसको. तो एक हम प्रोसेस देखेंगे डिस्टिलेशन और एक है विदाउट डिस्टिलेशन, विथ और विदाउट डिस्टिलेशन. तो कुछ ड्रिंक्स होती हैं जो डिस्टिलेशन के थ्रू बनती हैं, कुछ होती हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन बनती हैं. विथ डिस्टिलेशन का मतलब होता है ड्रिंक का बनना जो कि जिनमें जो अल्कोहल है वो काफ़ी क्वांटिटी में होता है, उनको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन. फॉर एग्जांपल बिस्की, ब्रैंडी एंड रम, ये डिस्टिलेशन के थ्रू बनने वाले ड्रिंक होते हैं. और विदाउट डिस्टिलेशन के थ्रू कौन से ड्रिंक्स बनती हैं आपके? वाइन और बियर. देख लेते हैं एक बार. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑप्टेंड. वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन. विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर. वेयर एज बिस्की, ब्रैंडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ. द फोटोग्राफ ऑफ ए फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन फिगर 8.5. तो यहाँ आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है कि किस तरह से इन ड्रिंक्स को बनाया जाता है. नेक्स्ट देख लेते हैं हम एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ, मतलब लाइफ के अगेंस्ट बनाई जाती हैं. ये आपके बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं और ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ह्यूमन के अंदर बॉडी में जब डिसीज़ हो जाती है जो कि बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिससे कि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो किल हो जाएं और इनसे ह्यूमंस को कोई इफेक्ट ना हो. तो देख लेते हैं. एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. तो जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की गई थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ये 20th सेंचुरी की एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है ह्यूमन वेलफेयर के लिए. एंटी इज़ ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ. टुगेदर दे मीन अगेंस्ट लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वेयर विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट. एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. सो जो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं ये डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हैं, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करती हैं या उसको किल कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो डिसीज कॉज करता है. You are familiar with the commonly used antibiotic penicillin. Do you know that penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery? तो first antibiotic penicillin है, तो ये जो discovery हुई थी ये chance discovery means by chance हुई थी, means कोई ऐसा नहीं था कि Alexander Fleming का पूरा फोकस ये था कि उनको एंटीबायोटिक बनानी है, बल्कि बाय चांस एंटीबायोटिक बन गई थी. देखते हैं कैसे. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया वंस ऑब्जर्व्ड ए मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विद स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो. ही फाउंड आउट दैट इट वॉज ड्यू ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन after the mold penicillium notatum. However, its full potential as an effective antibiotic was stabilized much later by
अर्नेस्ट चैन एंड हॉवर्ड फ्लोरी। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जब वो लैब में वर्क कर रहे थे तो पैट्री डिस्क में उन्होंने स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो करवा रखा था। तो जो उनकी पैट्री डिस्क थी जिसमें स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया थे, वो उस पैट्री डिस्क को अनवॉश्ड ही छोड़ गए थे लैब में। लेकिन जब उन्होंने नेक्स्ट डे आके देखा तो उन्होंने देखा कि जो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया हैं, इनके आसपास कोई ऐसा केमिकल ग्रो हो रहा है जो कि वहाँ से स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया गायब हो रहे हैं, मीन्स उन वो किल हो चुके हैं, वहाँ पर पेचेस उनको दिख रहे हैं। तो उन्होंने जब देखा कि जो ये क्या है, किस टाइप का केमिकल है, तो उन्हें पता लगा कि एक फंगस है जो कि एक टॉक्सिन केमिकल को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है, इन बैक्टीरिया को किल कर रहा है। तो इसका नाम पेनिसिलिन रखा। और ये जिस फंगस से रिलीज़ हो रही है पेनिसिलिन, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। इस एंटीबायोटिक को फुल पोटेंशियल मिला था कब, जब दो साइंटिस्ट अर्नेस्ट चैन एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने इस एंटीबायोटिक का यूज़ किया था कब, वर्ल्ड वार सेकेंड में जो अमेरिकन सोल्जर्स थे जिनको चोट लग रही थी, उनका इस एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट किया गया। दिस एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वॉन्डेड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरी वर अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। इस डिस्कवरी के लिए इन तीनों साइंटिस्ट को नोबल प्राइज दिया गया। आफ्टर पेनिसिलिन, अदर एंटीबायोटिक वर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज? एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीज सच एज प्लेग, बूफिंग कफ, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। टूडे वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के अलावा और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज़ कॉज करते थे या डिसीज़ कॉज करते हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक्स बनाई गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्टेप्टोमाइसिन, एमोक्सिलिन, रिफैम्सिन, इस तरह की एंटीबायोटिक्स बनाई गई और इनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका स्टेप्टोमाइसिन बनी है स्टेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से, ठीक है, जो कि इन डिसीज़ में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और क्या बनाया जाता है। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल्स, एंजाइम्स। सो एल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स, इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कमर्शियल स्केल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के फॉर्म में, व्यापार के फॉर्म में, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्परजिलस नाइजर, ये एक फंगस है जिससे क्या होता है, सिट्रिक एसिड बनाया जाता है। एसिटोबैक्टर सिटाई ऑफ एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ए बैक्टीरियम ऑफ ब्यूटायरिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस ए बैक्टीरियम ऑफ लैक्टिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड को, एसिटोबैक्टर एसिटाई प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड को, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम प्रोड्यूस करता है ब्यूटायरिक एसिड को, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। यीस्ट आपको पता है कि जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन करवाता है किसका, इथेनॉल का। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, माइक्रोब्स यूज होता है एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए। एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं।
For example, lipase are used in detergent formulations and are helpful in removing oily stains from the laundry. तो हम देखते हैं कि जो oily stains वगैरह कपड़ों पर लग जाते हैं, तो जो आपका lipase enzyme है as a detergent use होता है और उन oily stains को remove कर देता है. You must have noticed that bottled fruit juice bought from the market are clear as compared to those made at home. तो हम देखते हैं कि जो market से fruit juices की bottle लेकर आते हैं वो हमें कितना clear दिखती हैं as compared to those made at home. हम जब घर में juice बनाते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि वो कितना कितना ज़्यादा पल्प वगैरह होता है फ्रूट्स जूस में, लेकिन जो हम मार्केट से लेकर आते हैं फ्रूट जूस की बॉटल वो कितना क्लियर होती है. तो ऐसे कैसे ये होता है एंजाइम की वजह से. दिस इज़ बिकॉज द बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज़ ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज. पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम जो हैं वो उन बॉटल जूस जो जूस की बॉटल्स होती हैं उनको क्लियर कर देते हैं. स्टेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्टेप्टोकोकस एंड मॉडिफाई बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज एज क्लोट बस्टर. तो जो आपका स्टेप्टोकाइनेस है वो बैक्टीरिया से बनता है, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया है क्लोट बस्टर. ये है जो स्टेप्टोकाइनेस है वो क्लोट बस्टर है. मीन्स